start. We move a lot, so I'm always the new girl. Who's that? That is Jenny's mom. ये कहानी है 15 साल की जिनी और उसकी 30 साल की माँ जॉर्जिया की, जो डरी, सहमी, समझदार, आने वाले नए परेशानियों से अनजान थी। जॉर्जिया के तीसरे हस्बैंड कैनी की अचानक से मौत होने पर वो अपने दोनों बच्चे गिनी और ऑस्टिन के साथ एक नए शहर वेल्सबरी में अपना ठिकाना ढूंढने आई। पर अतीत की बुरी यादें उसे आज भी सहमा देती हैं। महज 9 साल की उम्र, उसके सौतेले बाप की बुरी नज़र, उसकी माँ का चुप रहना उस बच्चे को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है और मैरी से जॉर्जिया बना देता है। यहाँ ब्लैक आई ग्रुप जॉर्जिया को शरण तो देता है, पर जीने के रास्ते इनकी दुनिया से काफ़ी अलग थे। इस नए शहर में आते ही जॉर्जिया की मुलाकात उसकी पड़ोसी एलन से होती है, जो कि अपने बेटे को गांजा के नशा करने के लिए सुना रही होती है। जेनी का इंग्लिश टीचर उसे कमज़ोर समझता है और यही उसकी दोस्ती मैक्सिन से होती है। मैक्सिन गिनी को अपने बाकी दोस्त एबी, नोरा और हंटर से मिलवाती है। दूसरी तरफ जॉर्जिया जो कि कैफे में जाती है, जहां उसकी मुलाकात वेल्सबरी के मेयर से होती है। मैक्सिन जिनी को स्कूल बंक करवाकर बाहर स्ट्रीट में लेकर जाती है, जहां गिनी अपनी माँ को पॉल रैंडॉल्फ से बात करते हुए देखती है। वो समझ जाती है अब वो पॉल को डेट करने वाली है। मैक्सिन गिनी को अपने घर भी लेकर जाती है, जहां मैक्सिन का ट्वीन ब्रदर मार्कस भी गिनी के नज़दीक आता है, पर वो सिर्फ अपना ड्रग्स लेने आया था। गिनी अपनी माँ की इन हरकतों से काफ़ी परेशान होती है। वो मैक्सिन को बताती है कि वो हमेशा अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती हैं और हमें हमेशा उनकी वजह से जगह चेंज करना पड़ता है। मैक्सिन के घर से बाहर निकलकर गिनी मार्कस की बाइक बिना उससे पूछे ड्राइव करने लगती है और वापस आकर उसे किस कर देती है। ये उसकी लाइफ की फर्स्ट किस थी, पर मार्कस तभी दूसरी लड़की समांथा के साथ वहाँ से चला जाता है। गिनी को अफसोस होता है। जॉर्जिया जिनी को समझाती है मार्कस का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो उससे दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। जिनी जॉर्जिया पर वापस से डेट ना करने की प्रॉमिस तोड़ने के लिए गुस्सा करती है, और जैसे ये बात ऑस्टिन को पता चलती है, ऑस्टिन भी अपना दरवाज़ा रूम का बंद कर देता। जॉर्जिया फाइनेंशियली काफ़ी अनस्टेबल हो चुकी थी। उसके लेट हस्बैंड के जो पैसे उसे मिलने चाहिए थे, उस पर केनी की पहली बीवी ने केस कर दिया था, जिसकी वजह से पैसे जॉर्जिया को मिल नहीं रहे थे और उसका कार्ड हर शॉप पर डिक्लाइन हो जा रहा था। अगले दिन ऑस्टिन को घर लेते आते के समय जॉर्जिया जैक से मिलती है और उसे ऑस्टिन की क्लासेस तोड़ने के लिए उसे सबक सिखाती है, और उसकी माँ के पास इस तरह से आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और फिर बच्चों के साथ कार पिकनिक पर जाती है, जहाँ तीनों में वापस से सुलह हो जाती है। हंटर गिनी को डेट के लिए पूछता है, जॉर्जिया गिनी को तैयार करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन जॉर्जिया अपनी नई पड़ोसन एलन को ऑस्टिन के बाप के बारे में बताती है, जो अब जेल में है। असल में उसे पैसों की धोखाधड़ी के केस में फंसाने वाली जॉर्जिया ही थी। बाद में वो वेल्सबरी की मीटिंग में जाती है, जो जैक की माँ सिंथिया ने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। वो वेल्सबरी के स्कूल में आने वाले हन हेल्दी फूड से काफ़ी परेशान थे, पर मेयर पॉल रैंडॉल्फ के पास कोई आइडिया नहीं होता कि वेल्सबरी के बजट में ही इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। जॉर्जिया अपने सुझाव को रखती है कि उसका दोस्त जो, जिसका खुद का फार्म भी है, वो कम पैसों में बच्चों के लिए हेल्दी फूड डिलीवर करने को तैयार है। बेचारा जो अपने नुकसान देख करके फिर जॉर्जिया को पना नहीं कर पाता। पॉल जॉर्जिया से काफ़ी इंप्रेस होता है और उसे एज एडवाइज़र हायर कर लेता है। रात में मार्कस फिर से अपनी खिड़की से बाहर कूदता है, पर इस बार वो गांजा फूकने नहीं जाता, बल्कि गिनी की खिड़की से गिनी के रूम में आ जाता है। उसके बीच में कोई कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों ही अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देते हैं, पर मार्कस गिनी से सब कुछ सीक्रेट रखने की बात को कहता है। जॉर्जिया केनी के मौत की असली वजह के बारे में सोचती है। जॉर्जिया ने केनी को उसकी बच्ची को गलत तरीके से छूते हुए देख लिया था और उसके जूस में एक पॉइजनस प्लांट की पत्तियाँ ऐड कर देती है, और हार्ट अटैक आने की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी टकरा जाती है। जॉर्जिया अपने बच्चों की सुरक्षा और अच्छी लाइफ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। मैक्सिन गिनी को मैंग का हिस्सा बना देती है। ये ग्रुप होता है 4 दोस्तों का, मैक्सिन, एबी, नोरा एंड गिनी। पर एबी को गिनी का अचानक से ग्रुप में शामिल होना पसंद नहीं आता। नोरा और एबी गिनी को लेकर एक स्टोर पर पहुँचते हैं, जहाँ वो शॉपिंग करते हैं और काफ़ी चीज़ें भी चुराते हैं, पर गिनी को ईयरिंग्स चुराते हुए स्टोर ऑनर ने देख लेती है। इस बात से नाराज होकर जॉर्जिया जिनी को जो के कैफे में पार्ट टाइम जॉब दिलवा देती है, ताकि वो पैसों की कद्र करना सीखे। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज़ की कहानी को आगे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आप तक खबर पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।